वन स्टेपर्स, कैसे हो आप लोग? और यहाँ पे सीज़न 14 आ चुका है जिसका वीडियो हम अभी देख रहे हैं। सीज़न की बात करते तो हर सीज़न में कुछ ना कुछ नया मिलता ही है। इस वीडियो में हम पॉपुलर स्किन्स देख पा रहे हैं, M416 क्लॉथ्स की स्किन, डार्सी है यूएस की स्किन, इसी की तरह और भी रिवॉर्ड्स हम लोगों को इस सीज़न में देखने को मिलेंगे। और हाँ वन स्टेपर्स, मुझे ऑलरेडी पता है कि सीज़न 14 आ चुका है और हाँ मुझे वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो प्लीज़ इग्नोर करिए। मैंने ये वीडियो ऑलरेडी बना के रखी थी फर्स्ट डे ही, बट मुझे थोड़ा सा पर्सनल रीज़न की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई, तो आप ये वीडियो अभी एंजॉय करिए। तो ये सीज़न 14 का इंट्रोडक्टरी वीडियो था जो अभी हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सीज़न 14 के रिवॉर्ड्स के बारे में। यहाँ पे हम लोगों को स्किन्स मिलने वाली है, M416 की स्किन, डार्सिया की, और बैकपैक मिलने वाला है, हेड गियर मिलने वाला है नया, मतलब हेलमेट की स्किन मिलने वाली है। अगर मैं यहाँ पे रॉयल पास अपग्रेड करती हूँ तो इन रिटर्न मुझे UC और AG दोनों में से मैं कोई भी एक चीज़ ले सकती हूँ। मैं यहाँ पे F2P प्लेयर हूँ, मैं पैसे देके मिशंस कंप्लीट नहीं करती हूँ। यहाँ पे मैं अभी अपना रॉयल पास अपग्रेड कर रही हूँ, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे 600 UC ही खर्चा करूँगी, उससे ज़्यादा नहीं करूँगी। तो चलो यहाँ पे ओके पे टैप करते हैं और मुझे फ्रेम भी मिलने वाली है। और यहाँ पे मैंने रॉयल पास एलाइट ले लिया है 600 UC में, और मुझे सबसे फर्स्ट RP में एक अनलॉक्ड होगा ड्रेस, RP 60 में भी ड्रेस मिलेगा। RP फर्स्ट में जो ड्रेस मिला है ये एक आप देख सकते हो कि S1897 की शॉटगन की स्किन मिली है। एक और RP 1 में मुझे ड्रेस मिला है जिसका नाम नाइट कमांडर सेट है, जो अनलॉक्ड हुआ है, ठीक है। चलो और रिवॉर्ड्स देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और मुझे यहाँ पे इज़ेड मिशन का पास लाइसेंस मुझे फ्री में मिला है, क्योंकि मैंने 3 बार ले लिया है। उससे क्या होगा कि मेरे सिर के ऊपर, मतलब मेरा जो कैरेक्टर है उसके ऊपर ये ब्लिंक होगा, RP जो नाम है वो ब्लिंक होगा। आप V पे जाके टैप कर सकते हो कि ये पूरे सीज़न में क्या मिलने वाला है, इससे आसानी होगी। बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। और मुझे RP कार्ड भी मिल गया जो कि फ्री का है 600 UC। ये आप इमोट देख सकते हो, द पबजी लाइफ का इमोट। पैर काफ़ी फ्लेक्सिबल है इस लड़के के, बहुत अच्छा डांस कर रहा है ये कुकड़ुक। और ये इमोट मिलने वाला है, ये फर्स्ट RP का ड्रेस है। और ये इमोट 15 पे मिलेगा। पबजी लाइफ, इसको एक और बार नहीं, ये तो MVP का है, देखो इंटरैक्टिव इमोट्स है। ओ भाई, दैट वाज प्रोवोक। हे, डू यू थिंक यू कैन हिट मी? तो एक और बार हम लोग करके देखते हैं, दैट वाज नाइस, कुछ अलग दिया इस बार। बेचारे का पैंट फट जाता है डांस करते करते। चीयर पार्क ओनली है बस, कोई मतलब का नहीं है। MVP में देता तो कुछ अच्छा लगता। चलो और आगे बढ़ते हैं। RP 20 में हम लोगों को ये वाला द पबजी लाइफ इमोट RP 20 पे मिलेगा, मतलब जो जिनके पास रॉयल पास नहीं है उनको भी ये मिल सकता है, ये अच्छी बात है। यहाँ पे हेड गियर भी मिलने वाला है RP 20 पे, ये अवतार है रॉयल पास सीज़न 14 का। और आगे बढ़ते हैं, ये ग्रेनेड की स्कीन फ्रेम भी मिलने वाला है, ड्रॉप द बास रॉयल पास अवतार। ये बैकपैक है जो कि RP 70 में मिलने वाला है, फायर फाइटर बैकपैक नाम है उस बैकपैक का, ब्लैक कमांडर सेट। उसी के साथ ये एवियन टायरेंट हेड गियर, नहीं तो उसका है, ये इमोट देख लो आप, काफ़ी प्यारा है। पूरा इमोट नहीं किया, हाँ अभी करते हैं। ये बस RP वालों के लिए है जो 85 RP पे मिलने वाला है, और लास्ट 100 पे ये सेट मिलने वाला है आप लोगों को, एवियन टायरेंट सेट। उसी के साथ एवियन टायरेंट M416 एंड हेडगियर मिलेगा।
अभी ये तो बात होगी सारे रिवॉर्ड्स की, अब लेटेस्ट मैप आया है लिविक मैप, उस पर हम लोग एक गेम प्ले कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे मिडस्टर्न में जंग किया है क्योंकि ये हॉटस्पॉट था, और मेरे अलावा रियल बंदे 3 यहाँ पे जंग किए हैं जिनका मैं पैराशूट देख पाई हूँ बॉर्ड्स को छोड़ के। तो मैं यहाँ पे अभी लूट रही हूँ, लूटते ही मुझे पता चलता है कि एक बंदा लेट से जंप करा है, तो मैं उसे देखने जाती हूँ क्योंकि मेरे पास गन होती है। तो मेरे सामने ही वो बेचारा लूटता है, मुझे किल कर देती हूँ। ये सोलो वर्सेस सोलो है, अगर मैं किसी को मार रही हूँ या फिर कोई मुझे मार रहा है तो मैं नॉक नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट किल हो जाऊँगी। उसके बाद फायरिंग तो हर जगह से आता है, मैं देखने का ट्राई करती हूँ बट कोई नज़र नहीं आता, मतलब कोई भी ओपन में लड़ना नहीं चाहता। यहाँ पर मैं लूट कर रही हूँ फिलहाल, और यहाँ पर मैं मेरी पूरी लूट हो जाती है, यहीं पर बंदा रहता है, मैं उसे मैंने थोड़ा सा जिगल किया, स्टडी मैं नहीं रही, अगर मैं स्टडी रहती तो वो मुझे आसानी से मार देता। उसके पास M4 होते हुए भी उसने S12 की यूज़ की, वो उसकी गलती थी। यहाँ पे एक और बॉट फायर कर रहा है कोई, बट बॉट नहीं है वो मुझे पता है, क्योंकि आजकल बहुत ही स्कैम चल रहे हैं पबजी में, बॉट फायर करके बुलाते हैं लोग। मैं यहाँ पे वेट करती हूँ कि कोई ना कोई दिखेगा, देखो बॉट बॉम्ब नहीं फेंकते हैं, तो यहाँ पे मुझे कंफर्म हो गया कि बॉट नहीं था। मैं और थोड़ा सा होल्ड करके खेलना चाहती हूँ क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट गेम है, मैं अच्छा ही खेलना चाहूँगी। और ये जगह बहुत ही हॉटस्पॉट है लिविक मैप की, तो यहाँ पे बहुत ही लोग, देखो यहाँ पे फायर करने का कोशिश की बट वो भाग गया है। अब मुझे पता है कि वहाँ पे एक बंदा है, तो मैं यहाँ पे दौड़ के जंप करूँगी विदाउट हेल्थ लूज़ किए। यहाँ पे मैं टारजन की तरह जंप करती हूँ और नीचे उतर गई। मुझे पता है कि ये बंदा इधर ही है, तो मैं अपना क्रॉस एयर खिड़कियों पर रखूँगी। देखो पता नहीं ये बॉट था या आदमी था, बट ठीक है जो भी है। मुझे इस तरफ एक ड्रॉप दिखा था, बट यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉप लूटेड था, बट एनिमी दिखा। इस बंदे को मेरे एक भी शॉट नहीं लगता, पता नहीं क्यों। मैं यहाँ पे सबसे पहले हील करूँगी, अगर वो अच्छा रहा, मतलब मारने में अच्छा रहा, तो मैं यहाँ पे किल हो सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे हील अप करके जाऊँगी। और उसने ड्रॉप लूटा है तो उसके पास लेवल 3 का सामान हो सकता है, तो मैं केयरफुल रहूँगी उस चीज़ को। देखो ये ओपन में आते मुझे मारने का ट्राई कर रहा था, मेरी हेल्थ उसने आधे से ज़्यादा कम कर दी, तो अच्छा ही हुआ कि मैंने सबसे पहले हील अप किया। अब मैं जोन को प्रेफर करूँगी, मार दिया मैंने। दूर में कहीं एक बंदा गाड़ी चला रहा है, पता नहीं जोन के बाहर कहाँ जा रहा है वो। यहाँ पे किसी ने अपना फ़ोन नंबर लिखा है, अगर गाइज आप लोगों से बात करना चाहते हो तो कर सकते हो, और वो दिखाई देगा, या फिर आप बैक में जाके पॉज करके देख सकते हो। उसने बकायदा अपना खुद का नंबर दिया है। यहाँ पे वो बंदा और दिखा, वो अपने ही दुनिया में मस्त है, उसको गाड़ी चलाना शायद पसंद है और अच्छा लग रहा होगा टॉय वाली का गाड़ी चलाते हुए। और मैं अभी जोन जा रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। और यहाँ पे मुझे नहीं पता था कि पत्थर है, क्योंकि रिज के नीचे ही डायरेक्ट पत्थर था, मुझे नहीं दिखा था वो। तो हो जाता है कभी कभी, गलतियाँ होती रहती है। और यहाँ मैं जोन जा रही हूँ, और उसी के साथ ये बंदे ने फिर से शायद गाइड ठोक की है पत्थर को, इसलिए वो मुझे स्पॉट हो गया, क्योंकि वो काफ़ी स्लो गाड़ी चला रहा है और मेरे आगे ही है। बाइक काफ़ी फास्ट भागती है बट नहीं, यहाँ पे वो काफ़ी स्लो चला रहा है। मैंने यहाँ पे उसे स्टॉप करने का ट्राई किया तो, और उसके बाद मैं घर में हो गई, क्योंकि थर्ड पार्टी करने के लिए बहुत ही लोग रेडी रहते हैं। ऊपर से मुझे 205 से मुझे फायरिंग का आवाज़ सुनाई दे रहा था, मैंने वहाँ पर देखने का ट्राई किया बट कोई दिखा नहीं मुझे। मैं वहाँ जाके देखने का ट्राई करूँगी क्योंकि ऊपर साइड में वो लोग थे। यहाँ पे मुझे मॉन्स्टर ट्रक का भी वॉइस सुनाई दे रहा है, तो मुझे और केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि वहाँ पे एक से ज़्यादा या फिर दो से ज़्यादा लोग हो सकते हैं।
यहाँ पे मुझे मॉन्स्टर ट्रक दिख गया है, बट यहाँ पे एक और एनिमी उसे स्पॉट कर रहा था, उसने सब कर दिया। अब मैं वेट करूँगी कि मॉन्स्टर ट्रक का भी ऐसे मुझे डायरेक्ट फायर में कर पाऊँ मॉन्स्टर ट्रक को। शायद वो चला गया उधर साइड, और नहीं वो घूम के आ रहा है। सॉरी, यहाँ पे मेरा डिफरेंट पिक हो गया था, मैंने एकेम से डैमेज दिया, वो बंदा डर के उतर गया, उसने मैंने फिर से डैमेज दिया था, वो बंदा घर के पीछे छुप गया। यहाँ पे मैं घूम के जाऊँगी, सीधा नहीं जाऊँगी, क्योंकि वो मुझे या तो वो हिल कर रहा होगा या तो मुझे वो फायर कर रहा होगा। मुझे लगा कि वो ऊपर जाएगा, इसलिए मैं रुकी थी वहाँ पे, क्योंकि मैं सीढ़ियों से मार सकती थी। यहाँ पे मैं घूम के जा रही हूँ, मैंने वेट किया, खिड़की से देखा, दिख गया, साथ ही जिगल किया थोड़ा सा और वो मर गया, उसने भी काफ़ी डैमेज दिया था मुझे। यहाँ पे लास्ट के दो ही एनिमी बचे हैं, मुझे एक बंदा वहाँ पे स्पॉट हो गया जो कि लकड़ी वाले शैक के अंदर एक बंदा छुपा है, और सेकेंड बंदा मुझे नहीं पता कहाँ है, जिसे हम एनिमी बोलते हैं, मैं उसे ट्राई करूँगी। उसने मुझे हिट किया, बट दूसरा भी हिट करने का ट्राई कर रहा था, उससे पहले मैं वहाँ से भाग गई, क्योंकि सेकेंड बंदा कहाँ है मुझे नहीं पता। मैं काफ़ी बची यहाँ पे, वो दोनों अपने में नहीं लड़ रहे हैं, हो सकता है कि उन दोनों का टीम अप हो, या फिर दोनों को दोनों एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं। अब देखते कि फेस ऑफ किसके साथ होगा। मैं यहाँ पे घूम के जाऊँगी, क्योंकि सीधा जाऊँगी तो उन लोगों को पता है कि मैं इधर साइड हूँ। यहाँ पे जोन भी आ रहा है, और डीपी एंड एकेएम बहुत अच्छा कॉम्बो है। एकेएम आयरन साइट के साथ आप यूज़ करोगे तो बहुत ही बेटर रहेगा। और मैं इसी एनिमी की बात कर रही थी जो यहीं पे छुपा हुआ था, यहीं से मुझे मार रहा था। मैंने फ्लैंक करके इधर साइड आ गई हूँ, और वो मुझे डायरेक्ट दिख रहा था, मैंने उसे किल कर दिया। और लास्ट एनिमी का मुझे अभी भी नहीं पता कि वो है किधर, मैं उसे देखने का ट्राई कर रही हूँ पर मुझे नहीं दिखता वो। उसने मुझे फायर किया, मैंने फायर के साइड देखा, तब भी मुझे वो नहीं दिखा। मैं अगेन यहाँ पे फर्स्ट एड किट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि गाइस फ्री का सामान है, आप यूज़ कर सकते हो, किसी के लिए रखो मत, ये खुद ही यूज़ कर लो, एनिमी को देख के क्या मतलब। यहाँ से उसने फिर से हिट किया, मतलब वो आगे ही है, उसे मैं दिख रही हूँ बट मुझे वो नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ पे जोन भी क्लोज इन होने वाला है, जोन में जाने का सोच रही मैं, यहाँ पे वो मुझे नज़र नहीं आता है, तो मैं सोचती हूँ कि यहाँ पे हिल बैटल कर लेते हैं थोड़े देर के लिए, बट सामने एक और पत्थर है तो मैं उधर जाने का ट्राई करती हूँ। और इधर आते ही मुझे वो बंदा नज़र आ जाता है कि उसी के पीछे, मतलब ये दोनों साथ में ही थे, वो दोनों अपने में लड़ाई नहीं किए। वो भी शायद हिल बैटल का सोच रहा है, क्योंकि वो आगे नहीं आना चाहता है। मैं भी यही करना चाहूँगी, मैंने यहाँ पे फर्स्ट एड किट यूज़ करने का ट्राई किया, आगे थोड़ा सा जोन था, मैं जोन के कवर में आ गई और वो बंदा जोन में आया ही नहीं, जोन के बाहर ही मर गया। मतलब ये मेरा आखिरी किल भी मुझे नहीं मिला, वो फ्री का चिकन ही मेरे मिल गया। तो ऐसे ही गाइस, सोलो वर्सेस सोलो में मैं थोड़ा केयरफुल खेली हूँ, यहाँ पर मैं डांस करूँगी, क्योंकि ये बंदा नॉक हो गया, सो रेडेड हो गया जोन के बाहर। और इसी के साथ मेरा फर्स्ट मैच सोलो वर्सेस सोलो विथ 9 किल, क्योंकि 1 किल तो ऐसे जोन के बाहर मर गया। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, बहुत बोल दिया है मैंने, और वीडियो मैंने बहुत शॉर्ट करने का ट्राई किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।